सौराष्ट्र 735 FE। बहुत प्यारा ट्रैक्टर है। कुछ मेरे भाई कहेंगे कि ताऊ जी आप हर ट्रैक्टर की तारीफ क्यों करते हैं। भाई मैं तारीफ इसलिए करता हूँ, ट्रैक्टर है ही तारीफ लायक, तो वो ट्रैक्टर है भी बढ़िया। कमी क्या है इसमें बताइए आप। माना कि आपके पास स्वराज नहीं है इसलिए आपको थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन जिसने पैसा दिया है वो प्यार से रख रहा है, क्या वो बुराई बर्दाश्त कर लेगा। दूसरी बात ये है, ये ट्रैक्टर जो किसान रख रहे हैं कोई भी बुराई नहीं करेगा, तो मैं बुराई क्यों करूं, क्योंकि मैं भी ट्रैक्टर के बारे में जानता हूं। आज मेरी 60 साल की उम्र है, बचपन से मैंने ट्रैक्टर ही देखे हैं, बस ट्रैक्टरों में खेला हूं, तो कैसे बुराई कर दूं। भले ही आपकी नज़र में आज कितने ट्रैक्टर आगे निकल रहे हैं आप सोच रहे होंगे, लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए यही ट्रैक्टर हैं। पहले 3-4 ट्रैक्टर थे, मैसी, जब हम छोटे छोटे थे हमारे गांव में मैसी 35 लिया था एक ने, प्रधान जी ने, हम सब छोटे देखने जाया कर रहे थे, 35 को बहुत बड़ा समझते थे और कोशिश ये करते थे हमारा उस पर बैठने का मौका मिल जाए। फिर हमारे गांव में लिया इंटरनेशनल, बहुत बड़ा ट्रैक्टर था, लेकिन आज वो बहुत छोटा है। वो DI नहीं था, सुबह हीटर लगाना पड़ता था। अब से करीबन 45 साल पहले, 40-45 साल पहले 20-20 किलोमीटर तक कोई भी मिस्त्री नहीं होता था बैटरी ठीक करने वाला, तो बैटरी डाउन हो जाती थी, डायनोमा ख़राब, पहले डायनोमा आता था, कोई रिपेयर करने वाला नहीं था, कंपनियां बहुत दूर थी, तो किसान धक्का लगाया करते थे। अगर किसी का ट्रैक्टर जोड़ लिया या बुग्गी फैंसा जोड़ लिया या रस्सा बांध के सुबह को जब ठंड पड़ती थी तो 20 आदमी लड़के बालक आगे हो गए, कुछ पीछे धकेल रहे हैं, कुछ तफरियों में वापस भी खींचते थे, ले लो शाबाश हो गया, और वो बेचारा बुटर बुटर करके सफ़ेद सा धुआं देकर फिर बंद हो जाता था, क्योंकि हीटर सिस्टम था उनमें, 7-2 इंजन थे। कुछ लोगों ने भी DI करा लिए, किसी ने भी इंटरनेशनल को 585 बनवा लिया, हमारे यहाँ बड़ौत बागपत में मिस्त्री बनाते हैं, DI करा लिए, हेड बदलवा लिए, तो वे ट्रैक्टर भी बढ़िया थे अपने समय में, आज भी बढ़िया हैं। जिन्होंने DI करा लिया वो आज अपने की तारीफ करता नहीं थकता। तो मेरे भाइयों, आप मुझे झूठा कहते हो, मुझे बड़ा दुख होता है कोई असभ्य बोलता है तो अच्छा नहीं लगता। यार आप भी पढ़े लिखे बच्चे हो, अच्छे घर से हो, सभी माँ बाप की औलाद हैं, सभी के माँ बाप भाई बहन हैं, तो ऐसे मत बोला करो। कई ने तो इतने गंदे कमेंट किए हैं, बताइए मैं क्या जवाब दूँ, गुस्सा भी आता है। उधर YouTube वाले कहते हैं कि आप किसी को असभ्य नहीं बोलोगे, वरना 2 मिनट में जवाब मिल जाए बहुत प्यारा, क्योंकि जहाँ ये बालक जवाब दे रहे हैं ना वहाँ तो हम हेडमास्टर रह लिए। स्वराज 735 FE, ये 39 HP में है। कुछ मेरे भाइयों को आदत है तुरंत कमेंट करेंगे वाजिवा ये 35 HP में है, तो भाई मैं भी सुनी कह रहा हूँ, मैंने कोई फित्ता लेके तो नाप नहीं लिया इसका इंजन, जैसे हमने यहाँ रखे हैं गांव में सुने हैं। अभी एक मेरे भाई ने एक नई बात बताई, स्वराज 855 50 HP में, ताऊ तुम बता रहे 55 HP का, बताइए अब क्या जवाब दूँ। कोई है जवाब? भाई मैं चंडीगढ़ कंपनी तक होया के आया हूँ, वहाँ भी 55 HP का बताया है, और एक मेरे भाई ने कह दिया 50 HP का। अब या तो वो किसी और कंपनी जुड़ा हुआ है या स्वराज को बदनाम करना चाह रहा है। इसलिए मेरे भाई जो आपको अच्छा लग रहा है मान लीजिए, जवाब मत दो, क्या जरूरत है जवाब फालतू झूठे देने की। आप लोग झूठ कई बार झूठे जवाब देते हो,
पहले मार्केट में कंफर्म कर लो, स्वराज वालों से पूछ लो भाई तुम्हारा 855 50 पे HP में है। अगर वे कहते 50 में तो मैं भी मान लूँगा, लेकिन हमने तो ये सुना कि 55 HP का है। स्वराज 744-48 HP में है और ये 735-39 HP में है। बताइए हम झूठे हैं या आप सच्चे हैं? भाई हो बच्चे हो, अब मैं इसकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा ट्रैक्टर है, क्यों बुराई करी जाए? जब बताओ ये क्या कमी है इसमें? ये इन्होंने मेरे ख्याल में 2.5 लाख के आसपास लिया था, 2-3 साल हो गए, आज भी चल रहा है। मॉडल 2003 या 2004 के आसपास है, बढ़िया चल रहा है, तो क्या कमी है इसमें? देखो आपको मेरी बात ज़रूर कुछ कड़वी लगी होगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अच्छी बात करने की। आपको मेरी बात, मेरे विचार अच्छे लगे हों तो आप लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।